पूरे हिंदुस्तान में बाबर नाम का कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हम जो है मस्जिद के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। कि आओ लगावे की बात करें या लगावे नहीं मेरे देश को मारा, नीचे को है कोई झुकता नहीं, इनका उनका सब का चढ़ा पारा। किसी को मंदिर किसी को मस्जिद है चाहिए, किसी को गुरुद्वारा, जो कुछ चाहिए इन्हें सब दे दो। हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा, हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा। और ये हिंद होगा जब मेरे देश का टुकड़ा, जो मेरे देश टुकड़ा करना चाहते हैं, और मेरे हम देश को टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे जम्मू कश्मीर नाम पर चाहे राम के नाम पर। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये बता दें मुसलमान भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अल्लाह के वालिद का नाम बता दें, इनके अल्लाह के पिता क्या नाम है। हमारे राम के जी के पिता का नाम तो दशरथ है, हमारे राम के पिता का नाम दशरथ है, इनके अल्लाह इनके अल्लाह के बाप का नाम क्या है। हमारा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम हिंदुस्तान के लोग संविधान का मान्य करते हैं, लेकिन संविधान ये कह दे कि आप इनके लड़के नहीं हो, अगर किसी ने जवाब दे दिया कि आप इनके बेटे नहीं हो, हम अपने बाप के बेटे नहीं, हम कैसे मान लेंगे। हमारा डीएनए टेस्ट कराया जाए, हमारे होने के बाद सारे साबुत मंदिर मिले हैं, सारी चीजें मंदिर मिली हैं, गणेश की मूर्ति मिली है, हमारे गुम्बज मिले हैं, सारे चीजें मिले हैं, राम मंदिर का डीएनए तो हो चुका है। तो सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार राजनीति कर रही है, और सरकार की राजनीति को हम मान रहे हैं, राजनीति कर रही है, लेकिन 6 दिसंबर सौर दिवस होने के पहले केशव देव उप मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि कोर्ट का फैसला आवे चाहे नहीं आवे, हम कानून बनाएंगे। आज के 7-8 दिन पहले आपके इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है कानून बनाएंगे, लखनऊ में किया है, हम कानून बनाएंगे। 6 दिसंबर सौर दिवस के पहले आप देखिएगा एक नया इतिहास हिंदुस्तान का बनेगा। ये लोग जो है पार्लियामेंट में कानून बना करके राम मंदिर निर्माण करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो हम अयोध्या वासी हैं, हम राम के बेटे हैं, राम हमारे बाप हैं, हम अयोध्या के सारे बेटे अपने खून का दारा लगा करके अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे।